हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे पालक पनीर कैसे बनता है। देखिए, उसके लिए हम 200 ग्राम पनीर ले लिए हैं और ये हमारा पालक है जो कि हम बॉईल कर चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉईल हो चुका है और ये हम इसमें कुछ मसाला डालने के लिए लिए हैं। दो कटे हुए अदरक हैं, जीरा है, मिर्च है, लौंग है और ये हमारा लहसुन है, तेज़पत्ता है, एक इलायची है, दालचीनी है, तीन मिर्च लिए हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम कढ़ाई रख दिए हैं। ये देखिए, अब गैस को ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें तेल डालते हैं। तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 4 से 5 चम्मच डालेंगे हम। तेज़पात डालेंगे। अब इसको हम जो है मसाला हम जो दिखाए आपको उसको हम पीस लिए। इसको मसाला हम डालेंगे। इसको हल्का सा हम भून लेंगे और इसमें हम डालते हैं मसाला 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अब इसको जो है हम हल्का भूनेंगे। और ये देखिए, हम पनीर को पीस पीस काट लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा पनीर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हमारा हो गया है, लग रहा है नीचे। अब इसमें हम जो ये पालक जो इसको मिक्सर चलाए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। ये जो पालक में से हमारा पानी निकला था उसको हम निकाल के रख लिए थे, फेंके नहीं थे, ये हम अब इसमें यूज करेंगे। ये देखिए, ये जो हम पनीर का पीस किए हैं इसको हम इसमें डालेंगे। ये अब इसको हम पकाते हैं। हल्का पानी इसमें डाल देते हैं, 1/2 कटोरी। अब जो इसको हम पकाएंगे, थोड़े हम इसमें नमक डाल देते हैं, कश्मीरी मिर्च डाल दे रहे हैं। कश्मीरी मिर्च हम थोड़ा सा उसको अच्छा दिखने के लिए कलर आता है इसलिए हम डाल रहे हैं। अब जो हम इसको पकने दे देते हैं, 4 से 5 मिनट तक पकने देते हैं हम इसको। पालक पनीर हमारा बन के एकदम तैयार है। ये देखिए कितनी, इसमें से कितनी अच्छी महक आ रही है, ये देखिए गैस। अब इसको हम गैस को ऑफ करते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, तब निकालते हैं। अब हम इसको निकालते हैं, देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर बनके एकदम। देखिए फ्रेंड्स, पालक पनीर हमारा बनके तैयार है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।